आप सभी को सुप्रभात। एक बार फिर हम शुरू करते हैं नेटविन आईडीई। आज हम आपको बताएंगे लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें सबसे बेसिक लूप स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो व्हाइल लूप स्ट्रक्चर है। आज का हमारा प्रोग्राम है कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम किस तरह से जनरेट करते हैं यूजिंग व्हाइल लूप। तो इसमें हमारा फोकस मेन रहेगा व्हाइल लूप पे, और इसके अंदर एक और कंट्रोल हम ले लेते हैं, जे टेक्स्ट एरिया। ये आज हमारा डिस्कशन का मीटर रहेगा। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद कंडीशन, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप स्ट्रक्चर चलता रहेगा, और उसके बॉडी ऑफ लूप में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये लूप को आगे या पीछे करने के लिए, अगर ये नहीं हो तो फिर लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं ना पीछे आएगा, जस्ट लाइक बैडली ट्रेंड हॉर्स, नेदर स्टॉप नॉर टर्न। तो इसमें देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, इसमें इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज करने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट लगाएगा और वापस कंडीशन चेक करेगा। तो ये सर्किल के रूप में ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये इस रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो इसमें देखिए, इनिशियलाइजेशन के रूप में इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 लिया है, कंडीशन के रूप में व्हाइल एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10, और इसमें जो भी बॉडी ऑफ लूप में स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और हर बार एक्स में एक जोड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये लूप 10 बार चलेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसमें देखिए, हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करनी है, उसमें एक एन नंबर ले लेते हैं जिस नंबर की हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करनी है। फिर आई, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है जो इस पूरे लूप को कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट टर्मिनेट एंड कंटिन्यू ऑफ द लूप स्ट्रक्चर। तो इस आई वेरिएबल को लेकर हम इस पूरे के पूरे लूप को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ आई को 1 से स्टार्ट किया, 10 तक ये चलेगा, और टी के अंदर ये एन और आई का एवरी टाइम मल्टीप्लाई करके स्टोर करेगा। इसी टी को हम जे टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, यानी उसके अंदर अपेंड करते रहेंगे उसकी वैल्यू को। तो ये 1 by 1 इसके अंदर चलता रहेगा। चलिए अब इसी कार्य को विद द हेल्प ऑफ नेटविन आईडीई करते हैं। तो सबसे पहले नेटविन आईडी के अंदर एक लूप डेमो नाम से मैंने ये एक प्रोजेक्ट लिया है। तो इसके अंदर ये ऊपर इसका हेडिंग, फिर एक ये लेबल आ गया जिस नंबर की आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करनी है, एक टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर आप नंबर रीड करोगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया है हमारे पास। अब इसके अंदर जो आप टेबल जनरेट करोगे वो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर नजर आएगी। अब इसको जैसा मर्जी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जैसा कि हम आगे करते आए हैं, ओके बटन से ये आपका दूसरा ओके बटन, ये आपका तीसरा ओके बटन। इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये नाम हमने दे दिया, ये इंटर ए नंबर आ जाएगा यहां पर, इंटर ए नंबर जिस नंबर की आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करनी है, इसको आप ब्लैंक कर दीजिए, ये ब्लैंक हो गया। फिर ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है,
ये यहाँ हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका जनरेट, ये क्लियर, और ये आप लोगों का एग्जिट बटन। तो सबसे पहले हम जनरेट बटन की कोडिंग करते हैं। तो जनरेट पे जाएंगे और ये जे बटन वन एक्शन परफॉर्म्ड है, यहाँ पर इसकी कोडिंग शुरू करेंगे। समय बचाने के लिए मैंने ये पहले ही लिख रखा है, इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसमें आप देखिए ये इंटीजर एन नंबर के अंदर हमने जे टेक्स्ट फील्ड वन से रीड किया, फिर ये इनिशियलाइजेशन हो गया आई इज इक्वल टू वन, फिर 10 तक चलेगा और एवरी टाइम आई और एन का गुणा करके जे टेक्स्ट फील्ड एरिया में, जे टेक्स्ट एरिया के अंदर ये स्टोर करता रहेगा। स्टोर करने के बाद ये जो डबल कोटेशन में स्लैश एन है, इसका मतलब न्यू लाइन है, यानी ये एक बार प्रिंट करने के बाद अगली लाइन में आ जाएगा, लाइन चेंज कर देगा। तो ये हमने इसमें लिया है। अब इसके बाद हम अगले बटन की कोडिंग